हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पॉलिनोमियल के बारे में कुछ देखा था। पॉलिनोमियल के बारे में क्या देखा था कि उसके जीरोस की बात कर रहे थे हम। जीरोस क्या होते हैं? जैसे हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल था इस फॉर्म में मान लेते हैं, और हम इसका टाइप क्या पढ़ रहे थे कि अगर हम ऐसे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, उस एक्सप्रेशन में अगर हमें x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी हो डिफरेंट डिफरेंट, तो कैसे करेंगे? देखो बेटा कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो आपको x की वैल्यू 1 पुट करनी हो तो आप p1 फाइंड करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करनी हो तो p2 फाइंड होगा, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो p3 फाइंड होगा। तो ये 1 पुट करने के बाद का रिजल्ट है, ये आ गया आपका 3। अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये हमें मिलेगा 2 स्क्वायर, फिर 2 प्लस 1, सॉरी, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 2 जो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, इट मीन्स P2 इज 7। नेक्स्ट वैल्यू P3, वैल्यू P3 इज इक्वल्स टू 3 की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें तो P3 आएगा आपके पास में 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 30। तो केवल ये फॉर्मेट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है Px, और उस एक्सप्रेशन के बाद आपसे ये पूछा जाए कि उस वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके आपको बतानी है कि P1 की वैल्यू क्या आएगी, P2 की वैल्यू कितनी आएगी और P3 कितना आएगा, आप सारी वैल्यू बता सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम इसमें देखते हैं आगे, हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। जो एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का 1st पार्ट है py = y² - y + 1। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है p0 p1 एंड p2। तो जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे p0 कितना आएगा, देखो जहाँ पे py की वैल्यू दे रखी है, py का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे जो वेरिएबल x यूज होता था उसकी जगह इस बार y यूज हुआ है। तो x की जगह अगर y यूज हुआ है तो हम ये देख सकते हैं इसमें कि y की जगह आपको क्या पुट करना है, 0, इट मीन्स 0² - 0 + 1 = 1। ये हमारा p0 आ गया। इसी क्वेश्चन में हमें p1 एंड p2 भी फाइंड करना है, तो p1 का जो रिजल्ट आएगा 1² - 1 + 1, -1 + 1 कट गए, आपके पास रिजल्ट क्या बचा, 1 बच गया। फिर नेक्स्ट आपको फाइंड करना है p2, देन p2 इज इक्वल्स टू वैल्यू y 2 - 2 + 1, 2 2 जा 4 4 + 1 5, एंड 5 - 2 = 3। तो इस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन के 1st पार्ट में जो लास्ट क्लासेस के बेसिस पे p0 p1 एंड p2 फाइंड कर लिया है। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसके आगे पढ़ते हैं कि इसमें और क्या फाइंड करना है। तो आगे बढ़े, हम नोट कर लिया होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड का 2nd पार्ट, 3rd और 4th, 4 पार्ट हो रहे हैं। देखो बेटा इसमें 2nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन का 2nd पार्ट,
पी टी इज इक्वल्स टू, पी टी इज इक्वल्स टू इसमें हमें गिवन है 2 प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये हमें क्वेश्चन दिया है, हमें इसमें फाइंड करना है पी जीरो पी वन पी टू, वही चीज़ें वापस फाइंड करनी है। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, इसमें हमें फाइंड करना है पी जीरो पी वन एंड पी टू। तो पी जीरो फाइंड करेंगे हम इसमें, तो जहां आपके पास टी लिखा हुआ है, जहां आपके पास टी लिखा हुआ है उस टी की जगह रिप्लेस करेंगे हम टी को जीरो से। तो टी को अगर हम जीरो से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, टू प्लस ज़ीरो प्लस टू इंटू ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो क्यूब। जहाँ भी जीरो का टर्म आ गया उस टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जीरो जिससे मल्टीप्लाई होगा वो पूरा टर्म ही आपका क्या होगा, ज़ीरो। तो अब क्या करेंगे हम, जीरो वाले पार्ट को सभी को रिमूव कर देंगे, हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, टू। तो ये हमारा पी जीरो वाला आंसर आ जाएगा। अब हम इसमें सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि पी जीरो आपने फाइंड कर लिया, आपको फाइंड करना है यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ पी जीरो। अब हम बात करते हैं पी वन की, जहाँ आपके पास में टी लिखा हुआ है उसे टी को हम रिप्लेस करेंगे वन से, और टी को जब वन से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो टू लिखा है प्लस वन प्लस टू फिर वन स्क्वायर माइनस वन क्यूब। तो ये आके आपके पास में कैलकुलेट करने पे टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल होगा, आंसर आएगा आपका फोर आ जाएगा। ठीक है, आंसर फोर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक टर्म और फाइंड करना है पी टू। पी टू कैसे फाइंड करेंगे हम, पी टू फाइंड करने के लिए टी को रिप्लेस करेंगे टू से। क्वेश्चन वही है हर बार, जब जीरो पुट किया तब भी हमने यही उठाया, वन पुट किया तो भी यही उठाया, और टू पुट करेंगे तो भी यही क्वेश्चन रहेगा। तो टू पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, टू प्लस टू प्लस टू इंटू टू का होल स्क्वायर माइनस टू का क्यूब। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में जहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ है उस कांस्टेंट को हमने एज इट इज लिखा है, इसके बाद उस कांस्टेंट के अलावा जहाँ टी था उसको रिप्लेस किया है हमने टू से। तो टू से रिप्लेस करने के बाद आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ से आ गया टू प्लस टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एंड लास्ट टू क्यूब इज इक्वल्स टू एट। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एट से एट कैंसिल होगा, आंसर आपका क्या आएगा, फोर। ये था सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, सेकेंड का थर्ड पार्ट, इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। फाइंड वही करना है पी जीरो पी वन एंड पी टू, कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखो पी जीरो फाइंड करेंगे तो हम एक्स को रिप्लेस करेंगे जीरो से, जब पी जीरो फाइंड करेंगे तो यहाँ से आएगा ज़ीरो, जब हम पी वन फाइंड करेंगे तो वन की क्यूब इज इक्वल्स टू वन, और पी टू फाइंड करेंगे तो टू का क्यूब आएगा आपके पास एट। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर फोर है, इसी का फोर्थ पार्ट, वो आपको घर पे ट्राई करना है या आपको कभी भी सोल्व करके इसको बताना है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मैसेज करके इन्फॉर्म कर देना। हमें इसमें फाइंड करना है पी ज़ीरो पी वन एंड पी टू। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकंड का फोर्थ पार्ट जो दे रखा है उसमें हमें क्या करना है, सेकंड के फोर्थ पार्ट में
पी एक्स गिवन है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, हमें x की वैल्यू पुट करनी है एक बार जीरो, फिर रिजल्ट निकालना है, फिर वापस क्वेश्चन पे जाना है, फिर उसी क्वेश्चन में वापस हमें x को पुट करना है वन, फिर रिजल्ट निकालना है, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर x को टू पुट करेंगे, ऐसे रिजल्ट निकालेंगे। जैसे मैंने हर क्वेश्चन में तीन तीन रिजल्ट फाइंड करे हैं, ऐसे ही आपको लास्ट क्वेश्चन में तीन रिजल्ट फाइंड करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अब ध्यान से, हम इसमें बात करते हैं जीरोस की, ये जो जीरोस हैं क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछा क्या जाता है और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जीरोस क्या होते हैं बेटा, जीरोस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो हमें जीरोज फाइंड करने होते हैं, या हमें जीरोज चेक करने होते हैं। ध्यान देना कि जो जीरोज होते हैं उन जीरो से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं या हम जो समझेंगे जीरोज, उसमें क्या होता है कि या तो हमें जीरोज फाइंड करने होते हैं या फिर चेक करने होते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे और कैसे चेक करेंगे, दोनों मेथड अच्छे से समझेंगे बेटा, बोर्ड पे ध्यान रखना सारे बच्चे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मैं सबसे पहले आपको जीरोज चेक करना सिखा रहा हूँ, इसके बाद फाइंड करना सीखेंगे। तो हम केवल ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, जीरोज कैसे चेक करते हैं, चेक करने के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये देखते हैं हम तो क्या आएगा इसमें। देखो सर, आई डोंट अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट। आरुष राठौड़, कौन से टाइप के क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर बताओ, आई नोट सी क्लियर। आरुष राठौड़, जो भी बच्चा है इन्फॉर्म करे कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, लास्ट क्वेश्चन करवाया था, उस लास्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट मुझसे लास्ट क्लास में करवाया था, आपको क्लासेस कंटिन्यू देखनी होंगी, अदरवाइज आपकी अगर आज फर्स्ट क्लास है तो बेटा इसके लिए सॉरी, आप लास्ट क्लास ज़रूर देखें, यूट्यूब पे है, उसको देखे जाके, वहाँ से लास्ट क्लास देखने के बाद इस क्लास को कंटिन्यू करें, सब समझ में आ जाएगा। जो बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं वो लास्ट क्लास को भी देखें एक बार जाके। हाँ, ये टॉपिक नया है, आप यहाँ से कंटिन्यू करें, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप तुरंत मैसेज करें। लास्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्लास के कंसेप्ट पे था, यहाँ से देखो बेटा। देखो इसमें क्या है कि कोई भी जीरोज क्या होते हैं और चेक करने का मतलब क्या होता है। तो मान लो कि आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स प्लस टू, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स प्लस टू। अगर हमें पॉलिनोमियल x प्लस टू दिया हुआ है तो अब हमें ये चेक करना है कि इसका जीरोस कुछ है या नहीं। अब देखो जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल मिलेगा और फिर ये कहेगा चेक x इज इक्वल्स टू वन इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
देखो बेटा हमें क्या करना है, क्वेश्चन जैसे इस टाइप से आएगा, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स, और उस पॉलिनोमियल के बाद आपसे कहा जाएगा कि जो वेरिएबल आपने यूज़ किया है पॉलिनोमियल में, बच्चों बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, आधे बच्चे वीडियो चालू कर रखे हैं बोर्ड पे ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और है, नेम नोट कर लिया मैं सब। तो बेटा देखो इसमें एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में ये पूछेगा कि चेक एक्स इज इक्वल्स टू वन इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और नॉट, कि एक्स की वैल्यू आपको देगा अलग अलग, जैसे मान लो कि वन दे देगा, टू दे देगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, जीरो, एक्स वाई जेड, कोई भी वैल्यू दे एक्स की वो। तो एक्स की अगर आपको कोई भी वैल्यू दे वो, और फिर आपसे कहे कि ये चेक करके बताओ कि ये वाली जो x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। जीरोज से मतलब क्या है हमारा, जीरोज का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होता है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आए। दोबारा सुने ध्यान से, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज होने का मतलब क्या है, तो पॉलिनोमियल के जीरोज होने का मतलब क्या है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है, जैसे यहाँ एक्स यूज हुआ है, तो इस एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे इसका पूरा रिजल्ट आपका जीरो आ जाए, वही एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगी। आ गया सही बच्चों को समझ में। तो देखो अब क्वेश्चन में कहा है कि x इज इक्वल्स टू वन इसका जीरोज है या नहीं, तो हमें चेक करना है, और चेक कैसे करते हैं कि x की जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो। हम अगर x इज इक्वल्स टू वन को चेक करते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू रखने के बाद अगर आपके पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आता है, अगर आपके पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आता है तो ही वो एक्स की वैल्यू उसका जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ देखो ध्यान से, इस वाले केस में यहाँ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, वन है, तो एक्स की वैल्यू वन हमने इसमें पुट करी, आंसर कितना मिला, थ्री, और कितना मिलना चाहिए, जीरो, जीरोज तभी बोलेंगे। तो यहाँ थ्री मिला है और ये जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब x इज इक्वल टू वन इज नॉट ए जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आया सभी बच्चों को समझ में, बहुत सिंपल मेथड है, आप एक बार इसको अच्छे से देखें, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। करना क्या है हमें इसमें, हमें क्या करना है, जीरोस के बारे में बात कर रहे हैं, एक मेथड है चेक करने का, एक है फाइंड करने का। चेक करने वाले मेथड पे जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल हमने मान लिया, हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ये क्वेश्चन हम मान लो, और हमें चेक करना है कि एक्स इज इक्वल्स टू वन इसका जीरोज है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, उसी पॉलिनोमियल में एक्स की जो वैल्यू आपसे चेक करवा रहा है उस वैल्यू को रख देंगे, उस वैल्यू को रखने के बाद पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट अगर जीरो आता है तो वो उसका जीरोज है, जीरो के अलावा कुछ भी आता है तो वो उसका जीरोज नहीं है। इतना कन्फर्म है बेटा, ये था सर, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, अभी से गुजर बेटा। बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है वीडियो, बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है थम्सअप करें, फिर कंटिन्यू करें हम। जिन जिन बच्चों को वीडियो क्लियर आ रही है, ठीक है, थैंक यू बेटा। जिस बच्चे के वीडियो में प्रॉब्लम है वो अपने नेटवर्क को चेक कर ले, और ऐसी जगह बैठे जाके जहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर आए, ताकि आपकी वीडियो कंटिन्यू रहे, डिसकंटिन्यू ना रहे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आके देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। इसी क्वेश्चन में x प्लस टू पे अभी हमें किसकी बात कर रहा था, x इक्वल्स टू वन की।
अभी मान लो क्वेश्चन वही है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, और चेक क्या करवा रहा है, चेक करने के लिए बोला है उसने एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू। क्वेश्चन समझ लो ध्यान से, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया यहाँ पे, या उसी क्वेश्चन में मान लो थोड़ा सा चेंज किया है कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उस पॉलिनोमियल में हमें ये चेक करना है कि एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे हम इसमें ध्यान दो, चेक करने का मेथड क्या है कि आपको जो वैल्यू दे रखी है एक्स की उसी वैल्यू को आप किस में पुट कर दो, पॉलिनोमियल में। और जैसे ही आप उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वही डिसाइड करेगा कि एक्स की ये वाली वैल्यू जीरोज है या नहीं है। तो देखो बेटा, इसमें कैसे चेक करेंगे हम, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू की बात कर रहा है तो हम क्या करें, एक्स की जगह उठा के माइनस टू रख देते हैं। एक्स की जगह उठा के अगर माइनस टू रख देंगे, एक्स की जगह अगर हम माइनस टू पुट करेंगे तो इसमें एक्स ये लिखा हुआ है माइनस टू प्लस टू और ये आ गया आपका जीरो। तो बताओ बच्चों, p माइनस टू इक्वल टू जीरो आ गया। अगर p माइनस टू इक्वल टू जीरो आया है तो जो आपको पूछा था कि x इज इक्वल्स टू माइनस टू इसका जीरोज है या नहीं, तो वो डिपेंड किस पे करता था, पॉलिनोमियल के रिजल्ट पे। रिजल्ट जीरो आएगा तो जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। बेटा ये समझ में आया सभी बच्चों को, जीरोज चेक करने का तरीका। अब हम और क्वेश्चंस करते हैं इसके, आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, टाइम कम है बेटा। 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसके भी तीन चार पार्ट हैं बता देना, मैं इसको रिवाइज करवा दूंगा या इसकी एक वीडियो देख लो आप, लास्ट क्लास की वीडियो आज तक आ जाएगी, आज आ जाएगी लास्ट क्लास की वीडियो। सर आपने क्वेश्चन लिखा था, आंसर निकल रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं करवाया तो करवा देगा, ठीक है। चंचल राठौर, मोहित चौधरी, जीरोज टेल, मोहित चौधरी आप क्या कह रहे हो कि जीरोज के बारे में बताओ, ये तो कह रहे हो, क्लियरली लिखा करो, थोड़ा सा गर्दन हिला दो, मेरे को सबकी गर्दन दिख रही है। मोहित चौधरी आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है फटाफट मैसेज करें, फिर हम जीरोस के बारे में बता देते हैं, अब टाइम इतना ही बच रहा है ना, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, जिन बच्चों को डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। जीरोस क्या होते हैं, देखो बेटा ध्यान से, जीरोस होते क्या है, जीरोस का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होता है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है, उस पॉलिनोमियल में जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू होती है वही जीरोस होती है। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या होती है कि उन वैल्यू को आप अगर पॉलिनोमियल में पुट करोगे, उन वैल्यू को अगर आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो पॉलिनोमियल का आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो वही जो एक्स की वैल्यू आप यहाँ रखते हो, जैसे मान लो कि वन रखा, टू रखा, थ्री रखा, फोर रखा, कुछ भी रखा एक्स की वैल्यू, तो जो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, जैसे इस केस में देखते हैं, इस केस में जैसे वन रखा तो वन से तो हमारा आंसर थ्री आ रहा है, और जीरोस के लिए कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो क्या ये वन इसका जीरोज है, नहीं है। जीरोज क्या होता है कि जो आपके पास वेरिएबल यूज है पॉलिनोमियल के अंदर, उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आए,
एक्स की वही वैल्यू जीरोस कहलाती है, ठीक है बेटा, उसे ही हम जीरोस कहते हैं। तो आज की क्लास केवल इतनी ही, लास्ट क्लास का कंसेप्ट किसी को प्रॉब्लम है तो वो वीडियो आज तक आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी, आप क्लासेस रिवाइज कर लें। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। थोड़ी बहुत मैनर्स सीख लो, क्लास प्रॉपर अटेंड करना।